पहले जब पेट्रोल की कीमतें 60 रुपए पार करती थीं, तब भाजपा नेता रुदाली बनकर आसमान सर पर उठा लेते थे। आज उसी पेट्रोल की कीमत शतक लगाने को बेताब है, लेकिन सत्ता में बैठी भाजपा मौन है। यह भाजपा के सुविधाजीवी चरित्र को दर्शाता है। आज उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 87 रुपए पर है, वहीं मध्य प्रदेश में 100 पार कर चुकी है। मध्य प्रदेश में कई पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं क्योंकि उनके मीटरों में 3 अंकों की कीमत नहीं दिखाई जा सकती। यानी पेट्रोल पंप के मीटर बनाने वालों ने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि पेट्रोल की कीमत 100 पार करेगी। डीजल जिसकी कीमतें पहले जब अर्धशतक लगा देती थी तो भाजपाइयों के तन बदन में आग लग जाया करती थी, आज वही डीजल लगभग पेट्रोल की कीमत को टक्कर देते हुए 79 रुपए 11 पैसे पर है। बड़ी बात नहीं होगी जब किसी दिन डीजल भी शतक लगा दे। घरेलू सिलेंडरों की बात ही मत कीजिए। 2014 में जो 414 रुपए में भी महंगी मालूम होती थी और भाजपाई नेताओं के सीने में जलन मचा देती थी, आज 757 रुपए पहुंचकर भी 56 इंची सीने को दर्द नहीं दे पाती हैं। पेट्रोल, डीजल और LPG की बढ़ती कीमतों का प्रभाव केवल हमारी यात्राओं पर ही नहीं पड़ता, बल्कि रोजमर्रा के खर्च पर भी पड़ता है, क्योंकि चीजों की कीमतों में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जुड़ जाता है, यानी माल ढुलाई का खर्च भी जुड़ जाता है। यही कारण है कि 2014 तक जो सरसों का तेल 80 से 85 रुपए लीटर हुआ करता था, आज 130-140 रुपए लीटर हो गया है। तिलहन, दलहन, हर खाद्य सामग्री आज महंगी है, क्योंकि सभी की कीमतों में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया है। भाजपा और उसके सुविधाजीवी नेता विपक्ष में होते हैं तो महंगाई उनके लिए डायन होती है, मगर सत्ता में बैठने के बाद वही महंगाई देवी बन जाती है।